केमिस्ट्री में संदीप शर्मा में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, जो आपको ले जाएगी जेई और नीट में सक्सेस की ओर। इसलिए चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें। आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। हम सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज का नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि मेटल या सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं। एजी सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। हमें इसका आंसर ढूंढना है क्यों होता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ती है, हमें इसका आंसर ढूंढना है। कुछ सब्सटेंस इंसुलेटर क्यों होते हैं, हमें इस सब्सटेंस का आंसर ढूंढना है। और हम इन तीनों चीजों को बैंड थ्योरी की हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। हमने 11th क्लास में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा होगा कि एक होती है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरी होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बैलेंसी बॉन्ड बैंड थ्योरी को, बैलेंसी बैंड को तो हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और कंडक्शन बैंड को कहते हैं एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इन दोनों के जो बीच का ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप। अगर किसी मेटल में या सॉलिड सब्सटेंस में कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं होगा और हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे इंसुलेटर। तो हमने यहां समझा इंसुलेटर वो होगा जिसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। अब आया कंडक्टर। कंडक्टर वो होगा जिसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा या होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एजी बेस्ट कंडक्टर क्यों होगा, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाती है, मतलब एक दूसरे में ओवरलैप करती हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी का गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच का, वो इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर नहीं होगा, इजीली ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब हम इसकी कंडक्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी कंडक्टेंस को बढ़ाने का एक मेथड है और वो है हीटिंग करके। जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो हीट करने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना, और इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस में उसके इंटरनली ही किसी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि इंसुलेटर में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होगा इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। कंडक्टर में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, जबकि सेमीकंडक्टर में ये गैप दोनों के बीच में होगा। इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं दूसरा तरीका सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस बढ़ाने का। तो फर्स्ट था सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को बढ़ाने का तरीका, उसका टेम्परेचर राइज कर दो। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं कि इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम उसमें कोई इंप्यूरिटीज ऐड कर दें, ठीक है ना। अगर हम सेमीकंडक्टर में कोई इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो हम इसको डोपिंग कहते हैं। तो 12th क्लास में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोपिंग। तो बच्चों डोपिंग की डेफिनेशन क्या होगी, देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस बाय एडिंग ए अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्यूरिटीज इन ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड
डॉपिंग, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे। तो मैं यहां पर सेमीकंडक्टर और ऐड कर देता हूं, जिससे डेफिनेशन हमें खाली डेफिनेशन से ही समझ आ जाए कि हम किसके लिए डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस बढ़ जाए डॉपिंग कहते हैं। अब डॉपिंग से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक्सट्रिंसिक का मीन्स है हमने बाहर से कोई सब्सटेंस, कोई इम्प्योरिटीज ऐड करी है जिससे उसकी कंडक्टेंस बढ़ गई। तो हम पढ़ेंगे अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें हम बाहर से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होल से है, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा टाइप का है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम नेगेटिव होल कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे कैसे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 14th फैमिली के मेंबर में एक ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 14th फैमिली से कम हो, ठीक है ना। तो ऐसा जनरली एलिमेंट हम 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं। जब हम 13th ग्रुप के एलिमेंट को 14th ग्रुप में मिलाते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इनलार्ज करके दिखाता हूं कि हमने क्या किया। सिलिकॉन में ये बोरॉन ऐड कर दिया। जब हमने इसमें बोरॉन ऐड किया तो आप देख सकते हैं बोरॉन के पास तीन ही इलेक्ट्रॉन थे। तो बोरॉन का यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसको हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पॉजिटिवली चार्ज कहा। अब हम जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो आप देखेंगे इधर से लगाने पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। अब ये बोरॉन का एटम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा और फिर इसके एडजेसेंट एक दूसरा बोरॉन भी होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे बोरॉन में चला जाएगा, इसकी जगह दूसरा आ जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। तो अब शॉर्ट में, सिंगल वर्ड में, अगर हम 13th फैमिली को 14th फैमिली के एलिमेंट में मिलाएंगे तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम 14th फैमिली में 15th फैमिली का एलिमेंट मिलाएंगे। तो हमने देख सकता है यहां पर सिलिकॉन में हमने आर्सेनिक मिलाया, आर्सेनिक 15th फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके पास में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्री रह जाएगा, जिसको हमने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा। अब जब हम इसमें पोटेंशियल लगाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और इसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह इसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 15th फैमिली के एलिमेंट को 14th फैमिली के एलिमेंट में मिक्स कर देंगे। मतलब 15th फैमिली का एलिमेंट होता है फास्फोरस और आर्सेनिक। तो हम अगर सिलिकॉन में फास्फोरस और आर्सेनिक को मिलाएंगे तो हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और अगर हम सिलिकॉन में बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम को मिक्स करेंगे तो हमको पॉजिटिव या पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जिसका मींस हमसे पूछा जाता है, व्हाट इज मींस बाय 1216 और 1315। 1216 और 1315 से क्या मींस है। बच्चों, इसका मींस है कि अगर हम 13th ग्रुप के एलिमेंट को 15th ग्रुप के एलिमेंट में मिला दें, या फिर हम 12th फैमिली के एलिमेंट को 16th फैमिली के एलिमेंट में मिला दें, तो हमको एक्सलेंट सेमीकंडक्टर मिलेगा। एग्जांपल, गैलियम 13th फैमिली का एलिमेंट है और जब हमने 15th फैमिली के मेंबर आर्सेनिक में इसको मिक्स किया तो हमें एक्सलेंट सेमीकंडक्टर मिला। जिंक 12th फैमिली का मेंबर है, जब हमने इसको सल्फर 16th फैमिली में मिलाया तो हमको एक्सलेंट सेमीकंडक्टर मिला।
ये लाइन इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि TiO2, CrO2 और ReO2 मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और जिसमें से रिहीनियम ऑक्साइड की मेटालिक लस्टर और कंडक्टिविटी दोनों ही कॉपर के सिमिलर होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा विच मेटल ऑक्साइड अपीयरेंस एंड कंडक्टिविटी आर सिमिलर टू कॉपर, तो इसका आंसर होगा रिहीनियम ऑक्साइड और ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो देखते रहें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।